हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे एक्सेल में प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई को कैसे किया जाता है। उसके लिए हम लोग एक्सेल अपना ओपन करेंगे डबल क्लिक करने के बाद, और जैसे कोई भी वर्ड हो अक्षर हो उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे कोई भी कॉलम सेल में हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लिखने के बाद हम लोग चाहते हैं कि इसको ऐड किया जाए, जोड़ा जाए। तो हम लोग पहले यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, सम लिखेंगे और सम का फार्मूला आ गया, इसको डबल क्लिक करेंगे और इन दोनों हमको तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर दबा देंगे। और देखिए ये जुड़ के क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह जब भी हमको किसी भी चीज़ को माइनस करना हो, तो जैसे हम लोग यहाँ पे इक्वल लिखेंगे, इक्वल लगाएंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस दबाएंगे, फिर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और फिर इंटर कर देंगे। देखिए इन दोनों में से हमारा आ गया 22। और इसी तरह जब उन दिन किसी भी संख्या का अगर गुणा करना हो तो उसके लिए फिर हम लोग लिखेंगे करेंगे इक्वल दबाएंगे, इस सेलेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और गुणे का शिफ्ट के साथ एट को दबाएंगे और इस वर्ड को दबाएंगे, जिस भी वर्ड को हम फिर अब इंटू कर सकते हैं, कई वर्ड को हम लोग इंटू कर सकते हैं इसमें, फिर इक्वल इंटर दबा देंगे। देखिए गुणा करने के बाद हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग डिवाइड करना अगर सीखना चाहते हैं तो डिवाइड के लिए हम लोग मान लीजिए यहाँ पे कोई वर्ड ले लीजिए, 105 हो गया, और हम लोग मान लीजिए 5 से डिवाइड करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इस वर्ड को चुनेंगे, शिफ्ट के साथ फिर डिवाइड का बटन हम लोग दबाते हैं, शिफ्ट के साथ इसको दबाएंगे, दबाएंगे और 5 को दबा देंगे, इंटर कर देंगे। देखिए 21 बार में हमारा आ जाएगा। इस तरह हम लोग सिंपल प्लस माइनस डिवाइड और इंटू करना हम लोग सीख लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।